आइए फिर मैं किसी शायरा को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसकी शायरी में कौसे पजह की तरह सात रंग पाए जाते हैं और हर रंग अपनी एक अलग बहार रखता है। तलवार की काट फौलाद की ढाल पर रोकी जा सकती है, मगर चश्मे सहर तरास का एक ही नीमे तीर कश पूरी दुनिया को घायल कर देता है। एक ऐसी शायरा से इल्तमास करूं जिसकी हिचकियों के गुदास से तूफान का बंद टूट जाए, चट्टानों में शगाफ हो जाए। वो नाम है मोहतरमा हजरत मिसबाह अलहबादी का। मैं उनसे इल्तमास करूंगा कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जहां वादियों में अगर फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। मेहमान शायरा मिसबाह अलहबादी, आप हजरात के सामने एक जोरदार तालियों से उसका इस्तकबाल फरमाएं। मौजूद सामाईन हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। टाइस पर बैठे सभी सीनियर और मोहतबर शोरा इकराम तशरीफ फरमा है। हाजी इलियास साहब और रोशन बेग साहब की मोहब्बतों का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आवाज़ दी और एक बहुत ही खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया। उसके लिए आप लोग ज़ोरदार तालियां बजाकर इनका खैर मकदम करें। और डाइस पर बैठे प्रोफेसर आफ्ताब साहब से भी इजाज़त चाहूँगी, सदरे मोहतरम साहब से इजाज़त आप सभी की, और बहुत ही खूबसूरत निजामत का फराज अंजाम दे रहे हैं मासूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ और आप सबकी दुआ चाहूंगी। मैं अमनो प्यार का, मैं अमनो प्यार का जबान का। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। एक मतला हाजिर करती हूँ, सुनिएगा, तवज्जो चाहूँ भाई। मिसबाह साहिबा बहुत खूब, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, दुआ चाहूंगी और कोई गलती हो तो माफी चाहूंगी। अरे क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है भाई, बहुत क्या पढ़ रही है। कौमी एकता के हवाले से सुनिएगा। हमारी अगर प्यासी दिखाई दे, हमारी आँख चाहत की, अगर प्यासी दिखाई दे,
एक शेर आप सबकी नजर करती हूँ, राजेश रेड्डी साहब का एक शेर है कि हवाएं तेज है तो क्या तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। राजेश रेड्डी साहब का शेर है कि हवाएं तेज है तो क्या तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे, परिंदे पतंगे आंधियों में भी उड़ाना जानते हैं हम। हवाएं तेज है तो क्या तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे, पतंगे आंधियों में भी उड़ाना जानते हैं हम, और जरूरत ही नहीं तुमको किसी मस्जिद में जाने की। जरूरत ही नहीं तुमको किसी मस्जिद में जाने की, एक मरते परिंदे को बचाना जानते हैं हम, एक मरते परिंदे को बचाना जानते हैं हम। ये है वे चंदौली के लोग, इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर एक बार इनका खैर मकदम किया जाए। एक शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जुल्म वालों को मसीहा का लकब मत देना। शुक्रिया। जुल्म वालों को मसीहा का लकब मत देना, 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 बेनसब को भी कभी नाम और नसब मत देना, बेनसब को भी कभी नाम और नसब मत देना। शुक्रिया बहुत बहुत। हमने कुछ शेर रिवायत से अलग कह डाले, हमने कुछ शेर रवायत से अलग कह डाले, हमने कुछ शेर रिवायत से अलग कह डाले, हमको इल्जाम कोई अहले अदब मत देना, हमको इल्जाम कोई अहले अदब मत देना। बहुत साहिबा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे अच्छे शेर पेश कर रही भाई, बहुत खूब। एक गजल हासिल करती हूँ, गजल का मतलब बहुत अच्छी गजल पढ़ रही भाई, बहुत बहुत अच्छे अच्छे शेर। क्यों सांस रुकी जाती जुल्मात के डर से, क्यों सांस रुकी जाती है जुल्मात के डर से, क्या सुबह कभी रात के डर से। बहुत अच्छा। देखिएगा कि छाजन के टपकने से बदन भीग चुका है। बहुत अच्छा। शुक्रिया। छाजन के टपकने से बदन भी घर
हर बात का मफहूम निकलता है हमेशा, क्यों वक्फा रहे बात का, क्यों वक्फा रहे बात का, बेबात के डर से क्यों देखिएगा। जब जेब हुई खाली तो अहबाब भी मिसबा, जब जेब हुई खाली तो अहबाब भी मिसबा, क्या बात निकलते हैं मुलाकात के डर से। अच्छा फिर पढ़िए। वाह वाह शुक्रिया बहुत बहुत। हाय हाय जब जेब हुई खाली तो अहबाब भी बहुत अच्छा है भाई। मोहब्बत की ये बारिश है असल बरसात थोड़ी है, मोहब्बत की ये बारिश